बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं, इनका इंतज़ार हमने काफ़ी अरसे से किया। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि बलूचिस्तान में शायद सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। हम हेल्थ, एजुकेशन और बाकी डिपार्टमेंट्स की जब बात करते हैं, वो भी अपनी जगह एक बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट जिसे हम लेबर एंड मैन पावर डिपार्टमेंट कहते हैं, ये बलूचिस्तान की गुर्बत और बलूचिस्तान के हालात के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो है सेक्रेटरी लेबर एंड मैन पावर डिपार्टमेंट, जनाब तारिक कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? कैसे सलाम। हैं सर? मैं ठीक हूँ। सर, आप आपने थोड़ा कैसे? लेट आए हमारे पास, हम आपका काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, बस आपसे कम कॉन्टेक्ट थोड़ी मुश्किल दे से हुआ। आपके बड़ी मेहरबानी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। बारे में काफ़ी कुछ सुना है अब तक, लेकिन हमें थोड़ा सा खुद आप एलेबरेट करके बताएं कि आपने इतना अरसा बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ जॉब्स की हैं, जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग्स रही हैं, अब तक आपका सफ़र कैसा रहा और कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग्स रही हैं बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में सर्व करते हुए तो मुझे मोर देन 22 ईयर्स हो गए हैं। सो मुख्तलिफ वेरियस कैपेसिटीज़ के ऊपर काम किया है। खास तौर पर फील्ड में बड़ा काम किया है, एज ए असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर। मकरान डिवीज़न वॉज माई लास्ट असाइनमेंट। तो काफ़ी चैलेंजेस रहे, काफ़ी हालात ख़राब रहे। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट में भी काम किया है और फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल लाइक USAID और इनके साथ भी प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम किया। तो काफ़ी मतलब डिफरेंट एरियाज़ में काम करने के साथ जो है एक्सपीरियंस हुआ है इसमें। तो ये एक शॉर्ट सा जिसमें सर, आपका खुद बेसिकली आप हैं बलूचिस्तान से ही, अपनी स्टडीज और सारी जी हाँ, मैं बलूचिस्तान से ही हूँ। मेरा ताल्लुक जो है वो कलाँ सुराब डिस्ट्रिक्ट से है और रहे हम क्वेटा में ही है। एजुकेशन मेरी मुख्तलिफ रही है, लॉरेंस कॉलेज मरी में पढ़ता रहा मैं और उसके बाद फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करते रहे। मेरी जो मास्टर्स थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान से है। फिर लॉ किया हमने, कुछ प्रैक्टिस लॉ की भी की और फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स वगैरह देते रहे जॉब्स वगैरह के लिए। तो दो तीन जगह हुआ, फिर यहाँ पर एज असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइन किया बलूचिस्तान में और उसके बाद भी तालीम जारी रही। उसके बाद एक स्कॉलरशिप मिली मैंने, फिर एक MS किया नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में इंग्लैंड से, क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से। सर? और उसके अलावा जो है एक ऑसेट की स्कॉलरशिप मिली ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे एक 1 ईयर रिसर्च प्रोग्राम था वो किया। ख़ास तौर पे वो प्रोप वर एग्रीकल्चर मार्केटिंग साइड पे था, वैल्यू चेन एनालिसिस और इसके ऊपर। और उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद में मेरी पोस्टिंग रही तो वहाँ पे फिर मैंने एक शाम के टाइम पार्ट टाइम पढ़ता था MS मैनेजमेंट साइंसेस, एक वहाँ से मैंने क्वालिफिकेशन ली। उसके अलावा सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज वगैरह जो ट्रेनिंग्स वगैरह चलती हैं वो भी काफ़ी सारी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड पे और कम्युनिकेशन साइड पे। इनफैक्ट खुद थोड़ा बहुत पढ़ाता भी रहा तो कुछ थोड़ी सी स्किल्स जैसे स्किल्स बेहतर हो। अच्छा, तो ये शॉर्ट सब तो हम स्किल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है स्किल सिखाना स्टूडेंट्स को, यूथ को और बाकी सारे जितने भी बलूचिस्तान की आवाम है उनको आप स्किल सिखा रहे हैं। सिर्फ आप नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर सिखा रहे हैं। इसकी सिर्फ स्किल सिखाने की हद तक आपकी जिम्मेदारी है या आगे इसको जॉब प्लेसमेंट की तरफ भी ले जाना इस डिपार्टमेंट का एक रिस्पॉन्सिबल एक फैक्टर होना चाहिए या नहीं? इसमें मेरा ख्याल से इसमें एक तो अवेयरनेस का बड़ा फैक्टर है नंबर 1। और अगर आप देखें हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल पे काउंसलिंग नहीं होती है, बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाया जाता है जो कि हम लैक करते हैं इस एरिया में। हमें चाहिए ये कि जिन बच्चों के अंदर स्कूल लेवल पे जो पोटेंशियल नज़र आ रहा है बच्चों को हमें उस ट्रैक पे डालना चाहिए। बाहर के ममालिक में यही होता है कि स्कूल लेवल पे टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनमें बच्चों को सोसाइटीज़ बना के इंगेज किया जाता है। और एक बच्चे में अगर पोटेंशियल है किसी स्किल हासिल करने का, लेट से वो कारपेटिंग करना चाह रहा है, वो पेंटिंग करना चाह रहा है, वो कोई क्रिएटिव आर्ट साइड पे कुछ काम करना चाह रहा है, या बच्चियाँ जो है वो ड्रेस मेकिंग या डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करना चाह रही हैं, ब्यूटिशन साइड पे, तो समहाउ हमारे स्कूल्स में ये फैसिलिटी नहीं है कहीं से भी, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे जो लेबर स्कूल्स हैं हमने उसमें फैसिलिटीज़ दी हुई है। हमारे पास मेट्रोटेक का एक प्रोजेक्ट है वो चलता है जिसमें बच्चों को, तो कहने की बात है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसमें स्टार्ट में ये पोटेंशियल होते हैं लेकिन लाइवलीहुड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इशू।
सर बलूचिस्तान यूथ इस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेस है हर लिहाज से, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे हम जॉब्स की बात करें, चाहे हम किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें। लेकिन दूसरी की तरफ हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हद से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सिर्फ आपका डिपार्टमेंट नहीं, इस टाइम फेडरल मिनिस्ट्रीज़ के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें डेफटेक सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इस वक्त। बी डेफटा आपके साथ मिलकर काम कर रहा है, इंटरनेशनल डोनर्स आपके साथ इतने काम कर रहे हैं, यूएन यहाँ पर इतना ज़्यादा काम कर रहा है, इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ करवा ही रहे हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद भी हमारे यूथ क्यों इतने डिप्रेस है, और फिर यूथ का रोना क्यों है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं मिलती? इसका मतलब ये है कि ये जो जितना कुछ हो रहा है ये कुछ लिमिटेड लोगों के हद तक होता है, या ये इन चीज़ों की प्रोजेक्शन सही से नहीं होती, चीज़ें अपने वो जो डिजर्विंग लोग हैं वहाँ तक पहुँचती नहीं है, इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसमें सिर्फ जॉब के हवाले से नहीं है, एज ए एंटरप्रेन्योर आप सोचे ना, अगर आप मिसाल के तौर पे एक बच्चे को कोई ऑटो मैकेनिक के हवाले से काम सिखाते हैं, तो वो जाके कहीं शॉप लगा सकता है और गाड़ियों की रिपेयरिंग और इस चीज़ों में वो बहुत सारा काम कर सकता है अपना कर। लेकिन इसके अंदर एक और पार्ट है जो कि अभी हम खारान में करने जा रहे हैं, उसमें हम जो छोटी लेवल की मशीनरीज है ना, वो डेवलप करना बच्चों को सिखाएंगे कि घर में जो है ना, जो वैल्यू एडिशन कर सकें अपने प्रोडक्ट्स को। मिसाल के तौर पे मकरान में और खारान में डेट प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होती है, खजूर हम जिसको कहते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि उनकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग हमें प्रॉपर नहीं आती है, और उसका वेस्टेज जो है वो 50% से अबव है। ठीक है, मोर देन 50% हमारी खजूर वेस्टेज में जाती है, ये बाकायदा रिसर्च है इसकी। और उस पे हम ये करना चाह रहे हैं कि उन बच्चों को छोटे जो है ना चीज़ें, इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करके कि होम बेस्ड तरीके से उन चीज़ों को डेवलप करें, प्रोसेस करें, पैकेज करें और उसको मार्केट में सेल आउट करें। तो इसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आपने देखा होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने बड़ा काम किया है फ्रूट एंड वेजिटेबल साइड पे, जहाँ पे उनको पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करके उसको एक्सपोर्ट करते हुए, और आप देखें इस्लामाबाद लाहौर मार्केट में आपको वो चीज़ें मिल रही होती, इवन एक्सपोर्ट हो रही होती है। तो ये छोटी छोटी स्किल्स अगर हम बच्चों को दे दें घरों में बैठ के, या ख़वातीन के पास हो, तो वो ख़वातीन जो हैं जो घरों में बैठ के काम करती हैं, वो ईजिली दे कैन डू इट। तो इस ट्रेंड को भी हमारे तहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है इसकी। सर इस वक्त हम जब इंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, पूरी दुनिया इस टाइम इंटरप्रेन्योर्स पे काम कर रही है, यूएन एजेंसीज इंटरप्रेन्योर्स पे काम कर रही है, हम बलूचिस्तान में इस टाइम इन इंटरप्रेन्योर्स को क्यों कोई बेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, कोई फाउंडेशन नहीं दे पा रहे, या हम इनके लिए कोई काम क्यों नहीं कर पा रहे? ये भी तो हमारी इकोनॉमी में इतना बड़ा एक अपना एक रोल अदा कर रही है, और हम अगर चाहें या आपका डिपार्टमेंट चाहे, बलूचिस्तान गवर्नमेंट चाहिए चाहे, तो इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इसको सपोर्ट करके इसमें बहुत सारी चीज़ें और मज़ीद की जा सकती हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करते? हम हमेशा इन चीज़ों को पीछे क्यों रख देते हैं, और सिर्फ वो लिमिटेड कुछ चीज़ें जिन पर हम अपने अपनी सारी फैसिलिटीज़ उन्हीं तक ही रखते हैं। ये जो नई चीज़ें अब दौर में आ रही हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो घरों में बैठ के काम कर रही हैं, जो घरों से बैठ कर आपकी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं, हम उनको क्यों सपोर्ट नहीं कर पा रहे? जी, आपका क्वेश्चन तो बड़ा ही ज़बरदस्त और वैलिड है, लेकिन वो रिलेट करते हैं हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से। वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो के किसी ज़माने में फेडरल सब्जेक्ट रहा है, लेकिन सूबे का भी काम है इसमें, तो आई एम श्योर उनके पास कोई इस तरह की पॉलिसीज़ होंगी जिसमें इनको फंडिंग चाहिए होगी। इसमें आपको थोड़ा सा ऐड करूँ, एज अ लेबर के हवाले से हमने एक नया लॉ बनाया है होम बेस्ड वर्कर्स के नाम से। ठीक है, होम बेस्ड वर्कर्स वो लोग हैं जो घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक है और हमारे सूबाई गवर्नमेंट और ILO, हमने सब ने मिल के इसके ऊपर काम किया है। इवन UN वुमेन वालों ने हमारे साथ इसके ऊपर काम किया है, यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि इन इन जो घरों में हमारी सिस्टर्स या हमारी जो डॉटर्स हैं काम कर रही हैं, तो उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि वो छोटे लेवल पे काम होता है। अगर उनको छोटी सी भी सपोर्ट मिल जाए बड़ा अच्छा हो जाए। तो हमने एक इसमें फंड क्रिएट किया है होम बेस्ड वर्कर फंड के नाम से, और इसमें हमने समरी भी मूव की हुई है सीएम साहब को कि सूबाई गवर्नमेंट एटलीस्ट इसमें स्टार्ट ले ले, इसमें कुछ फंड हमें प्रोवाइड कर, प्लस डोनर एजेंसीज हैं उनको भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि आप भी इस फंड में कंट्रीब्यूट करें। उससे होगा ये कि हम छोटी सी ग्रांट या लोन टाइप जो भी मैकेनिज्म, इसके लिए हम काउंसिल बनाएंगे, तो काउंसिल जो भी डिसाइड करेगी कि हम उनको छोटे लेवल पे फंडिंग प्रोवाइड कर सकें। तो उससे एक तो यह है कि हम पॉवर्टी को काबू पा सकें,
प्लस वो जो घरों में बैठ के थोड़े इंटरप्रेन्योर्स इनोवेटिव किस्म की चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो वो एटलीस्ट जो है उसके लिए सपोर्ट मिल जाए। अगर हम 50,000, 1 लाख या 2 लाख तक भी अगर हम उनको दे दें, तो इट्स गुड। आई मीन फेडरल गवर्नमेंट कर रही है बैंक्स के जरिए बहुत जगहों पे, लेकिन उसमें उनकी थोड़े बहुत जो है ना डॉक्यूमेंटेशंस और ये प्रोसेसेस जो है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर होम बेस्ड वर्कर्स घर में कोई लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन होती है हमारे लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर। प्लस उसके साथ ही हम सोशल सिक्योरिटी जो है उसकी वो भी इंश्योर करवा रहे हैं, और वहाँ भी उसको करवा लेंगे कि कल को उसके साथ अगर कोई हेल्थ के मसले आते हैं छोटे मोटे, तो वो सोशल सिक्योरिटी के भी उसमें मद में आ जाए, और प्लस गवर्नमेंट कुछ फंडिंग कर दे, उसको सपोर्ट दे दे। तो ये एक लोकल इकोनॉमी जो है ना उसको बूस्टअप करने के लिए बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट होगी अगर इसमें हम कामयाबी हासिल कर सकें। सर, हम बलूचिस्तान की जब बात करते हैं तो बलूचिस्तान का, दुनिया को पता है कि बलूचिस्तान जो है इस टाइम ये जो मादनी वसाइल जिसे हम कहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। उसी मादनी वसाइल पर काम करने वाली जो लेबर है जिन्हें माइनिंग लेबर कहा जाता है, उनको लेकर इतना ज़्यादा एक नेगेटिव एक परसेप्शन है, हमें नज़र भी आता है, हमने खुद देखा हुआ है, आपने देखा है, हमारी बाकी आवाम ने देखा हुआ है कि उनको ना हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, ना उनको कोई सिक्योरिटी उनकी कोई नहीं है, उनके बच्चों के को लेकर कोई ऐसा अच्छा फैसिलिटेशंस नहीं है उस तरह की। हम लेबर की जब भी बात करते हैं, ये माइनिंग लेबर की स्पेशली, टारगेट किलिंग्स इन्हीं में सबसे ज़्यादा होती रही, इनके एक्सीडेंट्स सबसे ज़्यादा होते रहे, और एक हद तक हमें शायद लगता है कि यही जो है वो सिर्फ आपका जो डिपार्टमेंट वो सिर्फ इन्हीं के लिए, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई फैसिलिटेशन नहीं दी गई। वो आज भी उसी खस्ता हाली में बैठे, उसी तरह बुरी हालत है उनकी। उनके अगर कभी आप माइंस की तरफ जाएं आगे, जब ये स्पिन करें आगे, या इसके अलावा बलूचिस्तान में जहाँ भी माइंस का काम हो रहा है, उन लोगों से जब भी आप जाके देखें तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो इसका डिपार्टमेंट इसको लेकर क्यों स्लो है, या इस पर कोई फैसिलिटेशन उनको क्यों प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो माइंस की आपने बात की ना, माइंस लेबर स्पेसिफिकली माइंस लेबर है वो, माइंस डिपार्टमेंट डील करता है इसको, लेकिन मेरा उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहती है, कनेक्शन है उसमें। लेकिन मैं खुद भी, एक छोटा सा मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने माइंस के अंदर में गया भी हूँ और जाके मैंने देखा भी उसमें। उसमें उनके यहाँ देखें, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट उसकी डायनामिक्स है माइंस की, खास तौर पे कोल माइंस। और कोल माइंस के अंदर हादसात होते हैं, ठीक है जी, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के जो इश्यूज हैं उनको नहीं रखा जाता खातिर। वो एक बहुत ही हमारा जो है ना वीक एरिया है, जिसमें जिसमें ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, गो के ट्रेनिंग्स दे रहे हैं उसमें, और उसमें इस तरह की। लेकिन उनको जो खुदा ना खास्ता कोई वाकयात हो जाते हैं, तो उनको जो वेलफेयर के बेनिफिट्स हैं, डेथ है, इंजरी है या और बेनिफिट्स हैं, वो तो मिलते हैं उनको। उनके बच्चों को स्कूल्स की फैसिलिटीज़ भी मुहैया की जाती हैं, लेकिन इसमें मज़ीद काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम उनके हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर कर सकें। ये नहीं है कि उनको कम पेमेंट्स मिलती है, ये ऐसा नहीं है, वो हाईली पेड है। लेकिन वो नजर इस तरह से आता है कि नज़र ऐसे आता है क्योंकि वो सारा कोयला ही है ना, कोयले के कान में काम करना है, तो वो सारा रंग चढ़ जाता है उनके ऊपर। लेकिन ये जो लेबर है माइंस वाला, ये दे आर हाईली पेड लेबर, ये आप इसमें मुना करें। अच्छा, लेबर से अगर आपने बात की, तो मैं थोड़ा सा इसको बता दूं कि हमारे यहाँ सिर्फ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या माइंस नहीं है। रिसेंट गवर्नमेंट ने, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने स्पेशली इसमें इनिशिएटिव लिया कि हमारा जो बलूचिस्तान का 700 किलोमीटर है कोस्टल एरिया, ठीक है, यहाँ पे फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, और फिशरमैन जो है या वुमेन, वट एवर हम उसको फिशरी वर्कर के नाम से कहते हैं, कि इनको भी इनके सोशल सिक्योरिटी का नेट में लाया जाए। तो हमने लास्ट मंथ जो है वो भी नोटिफिकेशन किया, पहली दफ़ा बलूचिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में, इट्स अ फर्स्ट काइंड, कि हमने फिशरी वर्कर्स को जो है ना सोशल सिक्योरिटी के नेट में ला रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए अलग से लेजिस्लेशन करवा रहे हैं, कानून बना रहे हैं। नंबर दो, हमारे पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, ये लेबर जो है ना वो फॉर्मल लेबर नहीं है। फॉर्मल लेबर यह है कि उसकी मंथली सैलरी होती है, वो किसी इंडस्ट्री, फैक्ट्री में या किसी हॉस्पिटल या आपके स्कूल या किसी भी इदारे में काम कर रहा है, तो उसकी मंथली सैलरी जा रही है, सालाना उसका जो है ना एचआर अकाउंट सिस्टम बराबर है। ये होते हैं सीजनल टाइप के लेबर्स, ठीक है जी। अब माइंस वाला भी ऐसे ही है,
एक हमारे पास इंडस्ट्री है शिप ब्रेकिंग। हाँ शिप ब्रेकिंग के लिए भी हम एक अलग से जो है ना कानून बनाने जा रहे हैं, और वो भी जो है लोग वहाँ पे जब काम करते हैं महीना, 2 महीना, 3 महीना, देखिए साल पूरा चाहिए आपको किसी डिपार्टमेंट किसी इदारे में काम करने के लिए। उससे होता यह है कि जो आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं उसका जो 2% जो है वो कटता है, जो जाता है आपके लेबर वेलफेयर के लिए एटलीस्ट। वो पैसा जब जाता है तो फिर वो फैसिलिटीज़, वो सहूलतें उस लेबर को मिल पाती हैं। अब इसमें ये पता ही नहीं लगता, सीजनल होता है, आज यहाँ काम किया उधर काम किया उधर काम किया, तो वो उस कैटेगरी में आता नहीं। लेकिन अब उसके लिए स्पेशल लॉ बनाने जा रहे हैं कि उनको भी सहूलत मिल सके। फिर आप देखें वर्कर, अगर नाम लिया जाए, लेबर का ना लें वर्कर का नाम लें, तो आपके एग्रीकल्चर साइड बहुत बड़ा वर्कर है, आपका लाइफ स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा वर्कर है जिसको करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसके अंदर जो है ये चीज़ें हो रही हैं, और कोशिश कर रहे हैं हम कि जो नहीं आ रहे इस नेट में उनको भी मिले। क्या थैंक यू सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, और ये क्वेश्चंस जो थे आपने बहुत अच्छे से एलेबरेट किए, और शायद हमारी यूथ को भी अब बहुत सारी चीज़ें इजीली समझ आएंगी कि इन डिपार्टमेंट्स में हो क्या रहा है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके साथ एक नए गेस्ट के साथ बैठेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।